ब्रिटेन के शाही घराने में बड़ी फूट जग जाहिर। प्रिंस विलियम ने पिता किंग चार्ल्स से मांगा महल में रहने का किराया। कहा भुगतान न करने पर बाहर कर दिया जाएगा सामान। बेटे के फैसले से किंग चार्ल्स नाराज, पर फिर भी माननी पड़ी शर्तें। ब्रिटेन के शाही घराने में पारिवारिक विवाद बढ़ता नज़र आ रहा है। अब किंग चार्ल्स और प्रिंस विलियम्स के बीच दूरी बढ़ती दिख रही है। प्रिंस विलियम्स ने पिता किंग चार्ल्स से वेल्स के होलीडे होम में रहने का किराया भी मांग लिया है। बता दें कि गर्मियों के महीने में ब्रिटेन की महारानी भी वेल्स के इस आलीशान महल में कुछ हफ्तों तक रहा करती थी। 2007 में किंग चार्ल्स ने ही यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। हालांकि अब इसकी देखरेख का हिस्सा जिम्मा प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम्स के पास है। प्रिंस विलियम्स ने कहा है कि ग्रामीण इलाके में स्थित इस महल में रहने के लिए किंग चार्ल्स को भुगतान करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उनका सामान बाहर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक किंग चार्ल्स इस फैसले से नाराज हैं। सूत्रों का कहना है कि किंग चार्ल्स प्रिंस विलियम्स की इस शर्त से नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्हें माननी पड़ी। जब तक किंग चार्ल्स वहां रहेंगे, उन्हें इसका किराया देना होगा। उनके जाने के बाद इसे किराए पर किसी और को दे दिया जाएगा। बता दें कि किंग चार्ल्स को यह जगह बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि ये देर में ही सही, लेकिन वेल्स में इतनी खूबसूरत जगह पाना मेरे लिए स्वर्ग पाने की तरह है।